सच्चन गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं सुबह सुबह कुटिया में। सो चलो अभी कराते दर्शन। Yeah.
जय रामचंद्र भगवान बोली वृंदावन हरि लाल बोली श्री नगरी निवासी भगवान की जय। महाराज की जय बोलो साचे दरबार की जय बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। अभी हमने यही श्रवण किया है कि बंदे राम 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 गाए जा तो डूबा हुआ तर जाएगा। कलयुग के अंदर हमारे सदग्रंथों ने यही कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग नाम प्रधान युग है जैसे भी हो सके। और गुरबाणी ने तो यहां तक कह दिया, सपने स्यों बरड़ाए के जामुख निक से राम। कई लोगों को रात में नींद में बरड़ाने की आदत होती है। गुरबाणी में उसका उदाहरण देते हुए राम नाम की महिमा का उच्चारण किया कि सपने स्यों बरड़ाए के जामुख निक से राम, ताके पग की पांतड़ी मेरे तन का जाम। ऐ मेरे परमात्मा, ऐसे सज्जन के लिए जूतों बनाने के लिए जूते बनाने के लिए मेरा चमड़ा काम में लिया जाए। कैसी अद्भुत बात कही है, सपने स्यों बरड़ाए के जा मुख निक से राम, जिसके मुख से राम नाम निकलता है। नाम की महिमा जिसने भी समझी है, पहचानी है, जानी है, उन्होंने जीवन में अमल कमाया आज तक और युगों तक, जब तक ये जमीन आसमां लोग उनका नाम लेते रहेंगे लेते रहेंगे। आओ क्या कहा है, जागो दुनिया वालों और जपो हरि नाम, जागो दुनिया वालों और जपो हरि नाम। बिना जपे नाम नहीं होगा कल्याण, बिना जपे नाम नहीं होगा कल्याण। जागो दुनिया नाम नहीं होगा कल्याण, बिना जपे नाम नहीं होगा।
ने किया ना बने। तुलसी दास अपनी आत्म कथा में लिखते हैं, सब आप लोग जानते हो तुलसीदास पहले कामी पुरुष थे, इतने काम अंग थे जैसे रात और दिन का फर्क होता है। तभी उस विद्वान महान पुरुष ने ये कह दिया, जहां काम तहां राम नहीं और जहां राम। तुलसीदास कहते हैं काम भी एक अंधकार है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। वो तुलसीदास लिखते हैं कि भाई ऐ दुनिया के लोगों मेरी तरफ देखो, राम नाम कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। मैं तुलसी का पुत्र संत तुलसीदास, मुझे किसने बनाया, इस राम नाम ने बनाया है। जैसे भांग उगाई नहीं जाती, अपने आप खेत में लग जाती है, मेरा जीवन भांग की तरह निकृष्ट था लेकिन आज तुलसी की जैसी पूजा होती है ऐसे मेरी पूजा का कारण ये राम का नाम ही मेरे जीवन में जब आ गया तो मैं संत तुलसी बन गया। इसलिए क्या क्या देखते हैं कोई
जाता है तो क्या दुनिया दुखती है? नहीं, ये केवल भ्रम है, दूर हो जाता है किसी का जागते हुए कभी बाद में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रहे, इस संसार में अलग कोई समय नहीं मिलेगा कि कल हो जाएगा, अभी ये है, अभी ये काम हो जाए, वो हो जाए, नहीं, इसके साथ साथ ही चलते चलते इसी को भी साथ लेके चलो, तब कल्याण है। इसलिए कहा है नंद जी के पास छोड़कर नंद
छोड़ नंद जी की पुत्री को यहाँ ले आया। श्री कृष्ण देवकी का पुत्र है और बलराम रोहिणी का, उन दोनों ने मिलकर तेरे कई सेवकों को मार डाला। कंस ने जब ये सुना तो आग बबूला हो गया और वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। जो वैर भाव बढ़ाता है वो वैसे तो मात्र सुलगाते ही रहती है। नारद जी कंस को समझाने लगे, वसुदेव को मारने से क्या लाभ होगा, तेरा काल तो कृष्ण है। यदि तू वसुदेव को मारने जाएगा तो कृष्ण समाचार पाते ही बाहर निकलेगा, सो तू उस कृष्ण को ही मारने की सोच। कंस सोचने लगा अब कृष्ण को किस उपाय से मौत के घाट उतारा जाए। ब्राह्मण ने राजा से कहा, तुम धनुष यज्ञ करो, इस यज्ञ से यजमान की आयु बढ़ती है, शत्रु मर जाती है, किंतु यदि यज्ञ के आरंभ में 5 दिनों में विघ्न आए तो यजमान मरता है। उस समय कंस के कुछ मल आए, उन्होंने कहा, अरे वो छोकरा क्या करेगा, तुम्हारे काल के भी काल हैं हम। कंस ने यज्ञ के बहाने ही सब काम तमाम कर देना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, काल के समीप आने पर पुण्यशाली पुण्य कार्यों में जुट जाता है और पापी क्रोधी हो जाता है। राम कृष्ण को बुलाने के लिए किसे भेजूं? हाँ, अक्रूर को ही भेजूं। अक्रूर विश्वासघात नहीं कर सकते, जो क्रूर है वो तो भगवान को कैसे ला सकता है। काम सुख का चिंतन करने वाला मन क्रूर है, जो क्रूर नहीं वो है अक्रूर। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, चाचा जी एक काम करना है। नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है जो मुझे मारने वाला है, मैं अपने इस काल को मारना चाहता हूँ, तो नंद बाबा को धनुष यज्ञ में पधारने का आमंत्रण से मारना चाहता हूँ, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कंस साक्षात मृत्यु को ही आमंत्रण भेज रहा है, मनुष्य के बुलाने पर मृत्यु अवश्य आती है। कंस मरने के लिए अधीर हो गया, सो काल को खुद बुला रहा है, अधिक जीने की या जल्दी करने की इच्छा न करो, कब मरूंगा ऐसा कभी ना सोचो, जीवन मेरा कैसा होना चाहिए सदा ये सोचो। बस यही व्यास जी के शिष्य दास की कथा कहती है। बोलो श्री गुरु महाराज, बोलो साचे दरबार, बोलिए वृंदावन बिहार, बोलो कार्तिक महाराज। अब 17वां अध्याय। नारद जी ने कहा, जब नहीं मारे जा सकते इसलिए उसने माया द्वारा पार्वती बनाकर अपने रथ में बांध ली और शुंभ निशुंभ राक्षस उस पर प्रहार करने लगे। शिव जी ने जब पार्वती का ये हाल देखा तो शोक में पड़ गए और शस्त्र छोड़कर अपना सिर नीचा कर लिया। दैत्यराज उन पर बाणों की वर्षा करने ही वाला था कि विष्णु जी ने शिव जी को दैत्यराज की माया का ज्ञान करा दिया, जिससे शिव जी ने क्रोध में भरकर रथ में सवार होकर युद्ध भूमि में दैत्यराज को ललकारा। शिव जी के तेज के आगे शुंभ और निशुंभ टिक न सके और भाग छूटे। शिव जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम भाग गए हो इसलिए पार्वती के हाथों मारे जाओगे। दैत्यराज ने शिव जी पर बाणों की वर्षा कर दी, जिससे शिव जी का नंदी घायल हो गया, सिर से अलग कर दिया, उसका सिर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। दैत्यराज का वध देखकर असुर सेना भाग गई। ब्रह्मा आदि देवगण शिव जी की स्तुति करने लगे। देवों ने शिव जी से कहा कि विष्णु वृंदा के रूप में मोहित होकर उसकी चिता के पास बसम लगाकर बैठे हैं। शिव जी ने कहा कि हे देवो, विष्णु भगवान का मोह मिटाने के लिए योग माया के शरण में जाओ, वो ही उनका मोह दूर कर सकती है। ये कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए।
देवगण अनेक भांति योग माया की स्तुति करने लगे, जिसके शरीर से सतोगुण रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न हुए हैं, जो संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय का कारण है, जिसकी भक्ति करने वाले समस्त दुखों से छूटकर सुखों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार स्तुति करने पर आकाश में उन्हें एक प्रकाश नजर आया, उसमें से भविष्यवाणी हुई कि मैं शक्ति हूँ और गौरी लक्ष्मी तथा सरस्वती के भेद से मैं तीन रूप वाली हूँ, मेरे ही सत्व रज और तम तीन गुण हैं, इसलिए इस शक्ति की उपासना से तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। ये कहकर वो प्रकाश लुप्त हो गया। आकाशवाणी की बात सुनकर देवगण गौरी लक्ष्मी और सरस्वती के पास गए और स्तुति करने लगे। देवियों ने प्रकट होकर देवों को कहा, ये बीज ले जाओ, इन्हें विष्णु जहाँ बैठे हैं वो देना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। देवगण तथास्तु कहकर बीज लेकर वहां से चले गए और उन्हें विष्णु जी के पास बोलिए, कार्तिक महात्म गुरु श्री गुरु महाराज भोगन हार गति गुरु गरीब निवाद जी बख्शो मेरी जो सब जग खुशियां मानदा मैनु खुशी विखाल तू दाता जग मंगता बैठा करा सवाल दुखिया देख गरीब नो सब कोई हंसन हार चिंता सागरी डोलना बेड़ा कर दो पार अनगिन ते ओगन किए किए साथ घट की जान निहार कहन सुनन की बात ना ओगन भरा शरीर निर्लज की लज आप हो यही विने आखीर औगन किने दास ने करत न माने हार किस मुख से सतगुरु आओ तुम्हारे घर शरणागत की लाल की बोलिए कार्तिक महात्म की गुरु श्री गुरु महाराज गुरु गरीब निवाद जी बख्शो मेरी जो सब जग खुशियां मानदा मैनु खुशी विखाल तू दाता जग मंगता बैठा करा सवाल दुखिया दे गरीब नो सब कोई हंसन हार चिंता सागरी डोलना बेड़ा कर दो पार अनगिन ते ओगन किए किए साथ घट की जान निहार कहन सुनन की बात ना ओगन भरा शरीर निर्लज की लज आप हो यही विने आखीर ओगन किने दास ने करत न माने हार किस मुख से सतगुरु आओ तुम्हारे घर शरणागत की
भय पाए जा मेरी तुझा माता होइए अपूरे अखियत कदाग सदूरे नमो नमो तुलसा हर की पटराणी ब्रह्म मेरी जाए कृष्ण वर पाए जा मेरी तुझा माता चटिया ने नजराया श्याम जी ने सत्संग अच्छा लगा होगा, तो अच्छी लगी होगी।